डॉक्टर अंबेडकर और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सब अतिथिगण, आज सावरकर स्मारक पे स्वामी जी आए, उन्होंने यहाँ की ग्रंथालय का विमोचन किया है। मैं आप सब की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। ये जो स्मारक है, ये और जैसे कोई स्मारक बनते हैं उसी प्रकार का एक रूटीन स्मारक बने, ये हमारी इच्छा नहीं है। इसमें एक यूनिक विजन हम लाना चाहते हैं जो सावरकर जी की थी। सावरकर जी की विजन और बाकी सबके विजन में एक बड़ा अंतर है। बाकी सबके विचार दे आर क्लोज्ड बुक, वो उनके साथ शुरू होते हैं, उनके साथ खत्म होते हैं। सावरकर जी के विचार इट्स एन ओपन इंडेड सेट, उसका आरंभ बिंदु सावरकर है, लेकिन सावरकर विचार का प्रथम अध्याय यह है कि कोई ग्रंथ प्रामाण्य नहीं, कोई व्यक्ति प्रामाण्य नहीं, कोई संस्था प्रामाण्य नहीं, यानी कोई शब्द प्रामाण्य नहीं, सिर्फ विज्ञान प्रामाण्य। और उसी वास्तविकता के आधार पर, उसी कसौटी पर हर विचार को हम परखे, जिसमें सावरकर जी के भी विचार आते हैं। इसलिए मैंने कहा कि यह एक ही दार्शनिक ऐसा है जिसके विचार उसके साथ आरंभ होते हैं लेकिन उनके साथ समाप्त नहीं होते हैं। कि हर चीज के लिए हम सावरकर के पास नहीं जाएंगे कि इसका उत्तर हमें सावरकर जी के पास मिलता है क्या, नहीं मिलता है, और जो भी मिलता है वही सत्य है, नहीं। यही तो सावरकर जी ने इस देश में जो अनेक आधुनिक दार्शनिक हुए उसमें उनका जो एक विशेष स्थान है, ये इस कारण है। और उनके नाम से, उनकी प्रेरणा से हम यहाँ पर एक इस प्रकार का विचार का आंदोलन चलाना चाहते हैं, जिसको महाराष्ट्र के एक थोर विचारवंत जिन्होंने कहा था विचार कलह, कि डरो मत, अगर विचार विचार से टकराव करे, मत मतांतर आए, क्यों? तो जो मूलभूत स्वातंत्र है विचार का, उसका अर्थ ही यह है कि जो मेरे विचार का है उसका संरक्षण के लिए मैं नहीं हूं, लेकिन मेरे जो विरोधी विचार है उसका भी अस्तित्व रहना चाहिए, और वो अस्तित्व रहने के लिए मैं उसके साथ उसका संरक्षण करूंगा। यही जो बड़ा संघर्ष इस देश में जो हुआ इमरजेंसी के दौरान, उसका जो व्यापक आइडियोलॉजिकल अगर स्ट्रगल पॉइंट क्या है, तो ये था कि संविधान ने दी हुई जो हमारे मूलभूत फंडामेंटल राइट्स है, तो उसको ही चुनौती दी गई थी, और इसलिए इस देश में ये दूसरा स्वातंत्र समर हुआ था, वो संविधान के संरक्षण के लिए हुआ था। तो यहाँ इस केंद्र में ये सबसे बड़ी प्रतिज्ञा जो इस देश का हर नागरिक लेता है कि इस संविधान को अगर हमें सुरक्षित रखना है और उसको ही पथदर्शक रखना है और इस देश को सुरक्षित रखना है, तो हमें सजग नागरिक बनना चाहिए। इसलिए धर्म की चिकित्सा हो, हर धर्म की हो, सिर्फ इस्लाम की, क्रिश्चियनिटी की नहीं, हिंदू की भी हो, समाज में जो परिवर्तन के लिए जो अनेक प्रकार की, जो भारत में 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के पहले 50 साल में जो रेनेसा हुआ, जो इंडियन रेनेसा है, ये और हमारे प्राचीन काल का जो वैभव है, इसको जोड़ा कर उस प्रेरणा से हम इस नव भारत को निर्माण करना चाहते हैं। तो ये जो हमारा विचार धन है सब आया हुआ, तो इसको भी यहाँ पर हम पढ़े। जो हम पर कठोर टीका करते हैं उनका भी हमें जानकारी लेना चाहिए। तो इस प्रकार से एक ऐसा खुला मंच विचार का, यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा का विचार हो, अलग अलग राजकीय विचार प्रणाली का विचार हो, जो चुनौतियां देश की अखंडता के सामने हैं उसका विचार हो, और जो भारत आज है
हिंदुस्तान जो आज है हमारे सामने, ये हिंदुस्तान को अखंड रखना, इसके लिए हम प्रतिज्ञाबद्ध है। तो ये प्रथम हम अपने दिमाग में पक्का करके चलेंगे। तो इस स्मारक के लिए आपकी जो योगदान हमें चाहिए, वो इस विजन को लेके यहाँ पर जो बनना चाहते कि हम हिंदुस्तान में दुनिया से कोई भी आए तो यहाँ पर आने के लिए उस प्रकार का सुसज्ज, सिर्फ हार्ड कॉपीज नहीं, डिजिटल लेवल पे भी हो, रिसर्च इस अच्छे तरीका क्वालिटी का बने कि सबको रेफरेंस के लिए यहाँ आना पड़े। तो इस प्रकार का काम हम शुरू कर रहे हैं। उसमें से एक जो प्रोजेक्ट जो अभी हमने हाथ में लिया है, वो 42 साल गुजर गए, लेकिन इस देश में जो एक महत्वपूर्ण संघर्ष हुआ आनी-बानी के दौरान, उसका लिखित इतिहास क्या है? और जो लिखित नहीं होता है वो नहीं होता है। इतना बड़ा योगदान संघ परिवार का रहा, मॉन्यूमेंटल। तो आज बाल गंधर्वों में जो सिर्फ पुणे शहर, पिंपरी चिंचोड़ और पूना जिला के सत्याग्रही है, अब इतने साल के बाद जो आज है और जो नहीं है उनके परिवार से हमने लोगों को भी निमंत्रित किया है कि इतना बड़ा संघर्ष पूरे देश भर में हुआ, तो इसको लिखित स्वरूप में डॉक्यूमेंट करने का काम हमने तय किया है। और ये काम शुरू करने का आज बहुत अच्छा अवसर है। आज तिलक जयंती है। आधुनिक भारत के इतिहास में अगर जुल्मी कानून हो तो उसके खिलाफ खड़ा रहना और संविधान के प्रक्षेप में खड़ा रहना, ये कार्य अगर शुरू किया तो लोकमान्य जी ने किया। एक पत्रकार होने के नाते उन्हें पहली जेल हुई थी कि जब उन्होंने केसरी में एक एडिटोरियल लिखा था। तो इस देश में जो इस प्रकार का विद्रोह और अपने हक के लिए लड़ना, ये हमें उन्होंने सिखाया है। तो आज एक ऐसे शुभ मुहूर्त पर आज हमने अपना ग्रंथालय शुरू किया है। सावरकर जी की हमें प्रेरणा है और आज इतना मौलिक कि इस देश में ये जो आनी-बानी का पर्व हुआ, कि जिसे मैं लोग विनोबा जी ने कहा था कि अनुशासन पर्व है, लेकिन मैं कहता हूँ दुशासन पर्व है। तो उस पर्व का हम उस जमाने जवान थे, हम सब सत्याग्रही थे, तो हमने जिससे प्रेरणा ली, ऐसा एक अद्भुत नेता आज यहाँ पर आया हुआ है जिसे हमने प्रेरणा ली और आज वो हमारे इस काम के पीछे खड़े हैं। मुझे विश्वास है कि आप जो यहाँ पर है, हमारी जो जो योजना है वो 100% सफल होगी। धन्यवाद।